जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली आपका जो है यहाँ पे एमपी पीबीएफटी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे आपके सेफ स्कोर को लेकर। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल में यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत डाउट चल रहा है, तो एक अप्रॉक्स में यहाँ पे सेफ स्कोर की भी हम बात कर लेंगे कि अभी कितना नंबर तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा सेफ है, और साथ में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के जो है रिजल्ट को भी चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेफ स्कोर भी हम बता सकते हैं कि आपके एमपी पीबीएफटी का कितना रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत जल्दी यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। आप सभी को यहाँ पे पता है कि न्यू बोर्ड आपका एड हुआ है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, जो कि सबसे फास्ट यहाँ पे जो है काम हुआ है आपका रिजल्ट को लेकर, आपकी एमपी पीएटी का हो या डाहेट का हो या पीवीएफटी का, सभी का रिजल्ट जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आपका यहाँ पे पीएनएसटी का भी जल्दी जो है यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करके देख सकते हो, लिंक की भी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आइए रिजल्ट को जो है यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आके जो आपका प्री वेटरनरी एंड फिशरीज टेस्ट है, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा, इसके बाद रोल नंबर भी अगर आपके पास हो तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ और टीसीए कोड। इसके बाद आप कैप्चर कोड फिल करोगे, फिर आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट ओपन हो जाएगा। चलिए आइए कुछ रिजल्ट को यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये एक स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट ओपन हुआ है। आप देख सकते हो प्री वेटरनरी एंड फिशरीज टेस्ट का आपका 2022 का रिजल्ट है ये। ठीक है, एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट है तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, रैंक से अपने को यहाँ पे अनुमान लग जाएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो स्कोर भी यहाँ पे जो है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर घटा हुआ है। तो इसके अगर नंबर की अगर बात करूं तो 100 में टोटल इसके 52.07 है, नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इसके 51.66 नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल जो नंबर आपके मान्य होंगे वो यहाँ पे 51.66। ठीक है, ना कि ये नंबर यहाँ पे मान्य नहीं होंगे, ओनली आपके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आता है वो नंबर यहाँ पे आपके जो है मान्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर रैंक देखी जाए तो 151 नंबर पे, यहाँ पे 150 नंबर पे, ठीक है, तो टोटल 615 जो है ऑल ओवर रैंक लगी हुई है। बाकी यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो अलग अलग रैंक भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, प्रोग्राम वाइज यहाँ पे रैंक मेंशन है। आप देख सकते हो बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री में टोटल इसकी रैंक है कैटेगरी में 268 टोटल रैंक लगी हुई है, कैटेगरी की बात करूँ मैं। ठीक है, बाकी बीबीएससी में आप देख सकते हो यहाँ पे फिशरीज में टोटल कैटेगरी में 200 रैंक लगी है और ऑल ओवर 437 रैंक लगी, जो कि सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे इतनी नंबर में सिलेक्शन नहीं होना है। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक सेफ स्कोर की, पर्टिकुलर सेफ स्कोर की बात करूँ कैटेगरी वाइज, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी में 60+ यहाँ पे बिल्कुल सेफ स्कोर है। ठीक है, इतने में बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, 60+ जिनका स्कोर है बिल्कुल टेंशन मत लें। ठीक है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी को पता है आपकी जो है पीबीएफटी की मे बी थर्ड राउंड तक आपकी यहाँ पे जो है काउंसलिंग का राउंड चलते हैं, थर्ड राउंड तक, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप सभी को यहाँ पे एक चीज पता है, पेमेंट की जो है इसमें रैंक मेंशन नहीं होती, क्योंकि सीटी पेमेंट की अवेलेबल नहीं होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो जिनका भी 60 के आसपास है वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ में है। बाकी यहाँ पे अगर बात करूँ मैं एसटी कैटेगरी के आसपास की, तो एसटी कैटेगरी में आपके 48 नंबर के आसपास बिल्कुल वो अप्रोक्स में अगर बात करूँ तो 58-59 में बिल्कुल यहाँ पे सेफ जोन में है आपकी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, है ना। बाकी एससी की बात करूँ तो 54 में वो यहाँ पे सेफ जोन में है। एससी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कट ऑफ वाइज का हाई जाता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों का बिल्कुल यहाँ पे सेम कट ऑफ रहता है पीबीएफटी की, ये खास बात है, गर्ल्स और बॉयज का यहाँ पे सेम कट ऑफ रहता है ना, इनके पॉइंट में डिफरेंस देखने को मिलता है बस। तो कट ऑफ इसका हाई जाता है भाई पीबीएफटी का, तो सीधी सी बात है आप सभी को यहाँ पे सीट भी पता होगी, मैंने सीट पे वीडियो बना रखी है कि टोटल कितनी सीट्स हैं, तो उससे भी अपने को अनुमान लग जाता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी में भी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और ओवरऑल तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा है। तो अब आपको मे भी लगता है कि सारे डाउट्स आपके जो है सिलेक्शन को लेकर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे काउंसलिंग की जो डेट है वो मेंशन की जाएगी, आपकी पीवीएफटी, ठीक है, ये पीवीएफटी फ्री वेटरनरी एंड फिशरीज टेस्ट और डाहेट दोनों की काउंसलिंग भाई अब साथ में चलेगी। अभी रिजल्ट क्या हुआ था, डाहेट का पहले आ गया था और पीबीएफटी का अभी लेटेस्ट अभी आया है, तो भाई इनकी काउंसलिंग जो है आपकी नाना जी जो देशमुख ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, सारी डेट्स वहां पे मेंशन रहेंगी और आपका काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, तो बस वेट करो, मे बी एक हफ्ते के आसपास आपकी जो नाना जी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी और अगर
चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल यहाँ पे पर्सनली मैं रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स को, जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम आप सभी को पता है, एग्री जर्नी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक की भी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।